अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा चाहिए, फोटोज हो, वीडियो या फिर आपके कॉन्टेंट हो, ये सारे ऑनलाइन स्टोर हो किसी सर्वर में, अगर आप चाहते हैं कि ये एक काम ऑटोमेटिक हो जाए, आपको करना ही ना पड़े, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। जब भी आप अपना एंड्रॉइड डिवाइस काम में लेते हैं तो अपनी उसकी सेटिंग्स में जरूर देखा होगा SYNC यानी कि सिंक्रोनाइजेशन। तो आखिर ये होता क्या है और ये काम कैसे करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एकदम आसान है। मान लो आपके डिवाइस में जितनी भी फोटोज, वीडियोज या फिर कॉन्टेक्ट पड़े हैं, ये सारे ऑनलाइन स्टोर करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन काम लिया जाता है। मान लो आपने अपने डिवाइस में गूगल के किसी ईमेल अकाउंट से साइन इन किया। जैसे आप गूगल अकाउंट से साइन इन करते हैं तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट जो फोन में आपने स्टोर किए हुए हैं, ये सारे ऑटोमेटिक गूगल कॉन्टैक्ट्स में चले जाते हैं। यानी कि अगर आपकी वो डिवाइस खराब हो जाता है या खो जाता है तो आप उससे सारा डेटा किसी नए डिवाइस में, जैसे उसी ईमेल आईडी से साइन इन करते हैं जिसमें आपने पहले डिवाइस में किया था, तो आपका सारा डेटा दूसरे डिवाइस में अपने आप आ जाएगा। ऐसे अगर हम फोटोज़ को देखें, या फोटोज़ को कैसे ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं, तो आप किसी ईमेल आईडी से साइन इन कीजिए, यानी कि आप किसी एक ईमेल आईडी लीजिए, उसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में साइन इन कीजिए। अगर आपके फ़ोन में गूगल फोटोज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गूगल फोटोज़ को गूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कीजिए। जैसे आप गूगल फोटोज़ को डाउनलोड करते हैं, उसमें आपसे वो पूछते हैं कि क्या आपको इसमें अनलिमिटेड बैकअप मिलता है, क्या आप इसमें अपनी फोटोज़ वीडियो बैकअप करना चाहते हैं। उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप हाई क्वालिटी में कीजिए, अगर आप हाई क्वालिटी में चूज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस स्टोरेज मिलता है, यानी कि आप जितनी भी फोटोज़ वीडियो सारे ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके जो क्लाउड स्टोरेज है गूगल की उसमें उसे सेव कर सकते हैं। अगर आपके दूसरा ऑप्शन आता है, यानी कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन आता है जिसमें आप 15 GB फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल फोटोज़ का लेते हैं तो आप उसके अंदर अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियो बैकअप कर सकते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे आप गूगल कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे आप उसमें SYNC ऑन करते हैं, यानी कि आप एंड्रॉइड सेटिंग में अगर आप गूगल की जो SYNC सर्विस है उसे एनेबल करते हैं, तो आपके फोन में जितना भी डेटा है, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, कुछ भी हो, वो सारे डेटा ऑनलाइन ऑटोमेटिक उसमें चला जाता है। यानी जैसे आप इंटरनेट से एक्सेस होते हैं, आपका सारा डेटा जितनी आपने फोटो खींची हैं या जितनी भी आपके फोन में फोटो पहले ही स्टोर है, सारी ऑटोमेटिक गूगल की फोटोज में स्टोर होने शुरू हो जाती है। जितने भी कॉन्टैक्ट आपके डिवाइस में स्टोर है वे सारे ऑटोमेटिक वहाँ पे चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये SYNC का आखिर फायदा क्या है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के क्या फायदे हैं। मान लो आपकी डिवाइस खराब होता है, आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में जाते हैं, यानी कि अगर आप कहीं ऑफिस में हैं और आप अपना डिवाइस घर पर भूल गए हैं, तो भी आप घर ऑफिस के जो कंप्यूटर्स हैं उनसे ही अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी फोटोज, वीडियो या फिर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे PDF हो या फिर कोई भी फाइल हो, उन्हें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और जितनी भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में स्टोर है वे भी आप सारे कहीं से किसी भी डिवाइस के जरिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए होंगे जिसके जरिए आप अपने सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये है सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि SYNC। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा ये SYNC क्या है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।